जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो जो भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आज दूसरा दिन है, आपका अच्छा बीते, आने वाले समय में आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा हो। दोस्तों अब जो मुद्दा आता है वो मुद्दा आता है हमारा आता है कि एनसीसी वालों का क्या होगा, एनसीसी वालों का क्या हो रहा है। दो मुद्दे आज हमारे पास। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी भाई हमारे एनसीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना निश्चित हो जाए। अगर आपका 85, 80 नंबर तक का फिजिकल भी है आपका तो आप निश्चित हो सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट में ग्रेड भी मायने जब करता है, जब आपका मैच यानी कि आपका नंबर टाई हो जाते हैं, ए बी सी देखा जाता है, अल्फाबेटिक देखा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी भाई अगर एनसीसी में रहे हैं, जो मैं आपको बता दूं 40 बच्चे रहे हैं, किसी का प्रोविजनल जमा था, किसी ने फॉर्म के साथ अटैच नहीं हो पाया था, और किसी का ट्रेडमैन का था, जिस ट्रेड में उनका वो लगा हुआ था उस ट्रेड में वैकेंसी ही नहीं थी, ये हकीकत है, ये ही निश्चितता है। और रही बात अब के एनसीसी वालों का आने वाले समय में क्या होगा, अगर एग्ज़ाम पहले होता है तो सबसे बड़ा निश्चित बात यह है कि अनिश्चित काल में निश्चितता क्या होगी कि आप लोगों को इसकी प्रायोरिटी कैसे मिलेगी। दोस्तों आपको पहले मिलेंगे 5 नंबर, फिर मिलेंगे 15 नंबर, फिर मिलेंगे आपको रिटिन माफ, जो चलता आ रहा है। परंतु आने वाले समय में जो अग्निवीर भर्ती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये अपनी जो वैकेंसीज हैं एनसीसी वालों की फिक्स करेंगे या फिर उन्हें नंबर देंगे। और जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को बता दिया जाएगा। और कई भाई ने पूछा है कि ये एनसीसी वाले कितने सेलेक्ट और कैसे सेलेक्ट होते हैं होंगे, तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपका रिटिन पहले होता है, रिटिन के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। अभी तक कन्फर्म कोई अभी तक पूरा पर पक्का नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, किसी के भी पास कोई पक्का नोटिफिकेशन नहीं है। जॉइन इंडियन आर्मी पे जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा सबको पता लग जाएगी। दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहें, रिटिन की भी तैयारी करते रहें और फिजिकल की तैयारी करते रहें। हम आपको बताएं कि अगर एनसीसी आपके पास है तो आप एनसीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने फिजिकल की तैयारी करके अग्निवीर बन के। और दोस्तों बहुत भाई सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप लोग ये बताएं कि मेरठ की भर्ती कब ओपन होगी। मेरठ की भर्ती जल्दी ही ओपन होने वाली है, ये आपको बहुत खुशी की खबर है कि आप लोग मेरठ हियारों में आते हैं तो मेरठ की भर्ती जल्दी ही ओपन होगी। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब एनसीसी वाला बंदा 3 साल तैयारी करता है तो बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों अगर फौज उसको नंबर देती है तो बहुत गलत है, अगर एनसीसी सीखे नंबर देती है तो बहुत गलत है। आने वाले समय में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दो, ये रिक्वेस्ट आगे तक पहुँचनी चाहिए सबके पास कि भाई इनका रिटिन माफ़ होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।